हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा एंड वेलकम टू निशाज पर्सन। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी जो बच्चों के लिए एंड पेरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। यस, आज मैं बात करूंगी बच्चों के बीब्स के बारे में। हम सब पेरेंट्स बच्चों के फीडिंग टाइम में बीब्स यूज करते हैं, बट क्या हमें पता है बच्चों के राइट एज के हिसाब से हमें कौन सा बीब्स यूज करना चाहिए? यस, आज मैं आपको बताऊंगी बच्चों के राइट एज के हिसाब से हमें कौन सा बीब्स चूज करना चाहिए। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहने में तो बहुत सिंपल है, बट सही बीब्स चूज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले बात करूंगी 0 to 6 months के एज ग्रुप के बच्चे के बीब्स के बारे में। 0 to 6 months के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो जनरली दूध पीते हैं, बट कुछ बच्चे 5 months से सॉलिड स्टार्ट करते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे दूध पीते हैं इस टाइम में। सो इस टाइम में हमें ऐसा बीब्स चूज करना चाहिए जो वाटरप्रूफ हो एंड मिल्क को एब्जॉर्ब कर सके। यस, मैं बात कर रही हूँ इस टाइप के बीब्स के बारे में। पीछे एक वाटरप्रूफ सीट है एंड फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं एक कॉटन का लेयर है जो बहुत ही सॉफ्ट है। सो 0 to 6 months के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मैं ऐसा बीब सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर इसमें मिल्क गिर जाए तो ये मिल्क को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड पीछे वाटरप्रूफ सीट होने की वजह से बच्चों का कपड़ा गीला नहीं होगा। सो इस तरह के बीब्स अप टू 6 months के लिए ठीक है जब बच्चे सॉलिड नहीं स्टार्ट करते हैं, बट बच्चे जब सॉलिड खाना स्टार्ट कर देते हैं तब हमें कैसा बीब्स चूज करना चाहिए? अगर हम अबाव 6 months के बेबी के लिए भी ऐसा ही बीब्स यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक तो ये इसमें खाना गिरने का बहुत चांसेस है, क्योंकि अबाव 6 months के जो बेबी है वो बैठ के खाना स्टार्ट कर देते हैं और उसी टाइम खाना जो है वो गिरने का चांसेस रहते हैं। अबाव 6 months के बच्चों के लिए आप इस तरह के बीब्स यूज कर सकते हैं। ये है लव लव ब्रांड का एक बीब। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं बस इस तरह के बीब के जो फायदे हैं मैं वो बता रही हूँ। इस तरह के बीब किसी भी ब्रांड्स का आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। सो पहले इस बीब्स के जो फीचर्स हैं मैं वो बताती हूँ। सो फर्स्ट थिंग है, ये है बीपीए फ्री। बच्चों के लिए अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं सो आपको देखना होगा कि वो बीपीए फ्री है कि नहीं, स्पेशली अगर फूड रिलेटेड थिंग्स है तो। सो यह है बीपीए फ्री। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो बीब है ये सॉफ्ट सिलिकॉन का है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको फोल्ड करूंगी तो इजीली ये फोल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो कॉलर है ये एडजस्टेबल है। लाइक इसमें आप देख सकते हैं इसमें 4 बटन है, आप इसको बेबी के नीड के हिसाब से एडजस्ट करके आप इसको लगा सकते हैं। एंड इस बीब का जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है ये पॉकेट। आप देख सकते हैं इस बीब में एक ऐसा पॉकेट है, ये बहुत यूजफुल है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बीब। इस बीब में ऐसा पॉकेट होने की वजह से बच्चा अगर खाना खाते टाइम कुछ खाना गिरा देते हैं तो सारे मतलब जो खाना है वो सारे इस पॉकेट में कलेक्ट हो जाते हैं। सो क्लीन करना तो बहुत आसान है एंड ये वाटर प्रूफ है, सो बेबी का जो क्लॉथ है वो भी गीला नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, ये जो बीब है ये बहुत ब्रॉड है, आप इजिली इसको 3 साल तक यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के एक बीब आपके पास रखते हो तो आपको ज्यादा बीब्स लेने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीब इजिली वॉशेबल है एंड वाटरप्रूफ है। एंड इस बीब को वॉश करने के बाद ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको अलग से सुखाना है या फिर अलग से कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसको वॉश करने के बाद अगर एक्स्ट्रा वाटर इसमें है तो आप किसी भी कॉटन की क्लॉथ से इसको क्लीन कर सकते हैं। एंड ये बीब डिश वॉशर सेफ है एंड ये बीब मेरे लिए बहुत यूजफुल है, मैं इसको आगे भी यूज करूंगी। मेरी बेटी जब 0 to 6 months के एज ग्रुप में थी तब मैं ये बीब यूज करती थी, बट अभी मेरी बेटी सॉलिड खाना स्टार्ट कर चुकी है इसलिए मैं ये बीब यूज करती हूँ मेरी बेटी के लिए। सो मेरे लिए तो दोनों बीब्स ही यूजफुल है। सो आपने देखा किस तरह के बीब्स हमें चूज करना चाहिए बच्चों के राइट एज के हिसाब से एंड वो यूजफुल भी होते हैं। आई होप आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।